मोशन है लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी डायरेक्ट आरोप भी साधारणतया नहीं किए जाते हैं. अगर करते हैं कोई डायरेक्ट आरोप तो ये बात भी सही है, सबूत होना चाहिए. एक दूसरी बात भी, नियम भी आपको मालूम है, किसी व्यक्ति पर या किसी मिनिस्टर पर आप आरोप करते हो डायरेक्ट नाम लेके, सुनिए, अरे अब मुझे भी चाहिए करो कि नहीं बात मेरी ठीक लगी तो बोलो, तो उस मिनिस्टर को भी बात एक्सप्लेन करने का समय मिलेगा, देना पड़ेगा. अब आप बोलोगे हम उस समय भी यील्ड नहीं करते, वास्तव में वो उचित नहीं है, फिर भी मैंने आपकी बात मान ली. अब आप भी यही कर रही हो, आप भी यही कर रहे हो, तो या तो आप यहाँ लोग आ जाओ, कोई भी करो, आई एम रेडी. ऐसा मत करो प्लीज़. मैं चाहती हूँ कि ये डिबेट अच्छी तरीके से हो जाए, और इसलिए मेरा एक कहना है कि अगर हमें नहीं मालूम, पहले भी ये हुआ है कि अगर आपने, जैसे मैं आपको राहुल जी बताना चाहूँगी, जब आपने डिफेंस मिनिस्टर का नाम लेके दो बार मान लो कुछ आरोपित कर दिया, तो फिर उनको भी एक्सप्लेनेशन का वहीं पे ये मिलता है, अधिकार मिलता है ना. उस समय हम कहे कि नहीं हम ये नहीं करें, अब आप नहीं कर रहे थे इसलिए मुझे बोलना पड़ा, इनके भाषण के बाद मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं भी क्या करूँ. साधारणतया यील्ड किया जाता है, पहले भी ऐसा, मैं भी आज सालों साल से इस लोकसभा में हूँ, मैंने भी कई बड़े बड़े लोगों के भाषण भी देखे हैं, डिबेट देखा है, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ देखा है. और अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ आरोप होता है, सामने वाला कुछ कहना चाहता है, तो मैंने बहुत बड़े लोगों को भी यील्ड करते हुए देखा है. आई एम सॉरी, आप मानो मेरे, मैंने देखा है. एक मिनट, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं केवल जनरल बात कर रही हूँ, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं बोल रही हूँ. मैंने ये देखा है कि यील्ड किया जाता रहा है. अगर आरोप अगर करो, सामने वाला खड़ा हो जिस पर आरोप है, वो कुछ बोलना चाहता है, तो यील्ड भी, यील्ड करना कोई अपमान की बात नहीं है. जब हम बोलते हैं ना, तो सामने वाले को वो बोलने का, ये एक दूसरे का आदर होता है. लेकिन यहाँ मुझे इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा, अगर नहीं यील्ड करते तो ये भी नियम है सभा का कि अगर भाषण देने वाला जिसका मैंने नाम लिया वो अगर यील्ड नहीं करता तो मैं दूसरे को मौका नहीं दे सकती. ऐसा भी कई बार होता आया है, और इसलिए मैंने कहा चूँकि आरोप डिफेंस मिनिस्टर पे डायरेक्ट लग रहा है कुछ, तो उनको तुरंत, आपके बाद मैं तुरंत बोलने का मौका, अगर ग्रेसफुली ये होता, यील्ड वो करते तो आप तुरंत मौका भी मिल जाता, वो नहीं हो रहा है तो मुझे ये बोलना पड़ा, मैं बाद में मौका, हमने बात कर ली, मेरा इतना ही कहना है. दूसरी बात ये है, अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल पे भी है, आप टारगेट प्रधानमंत्री को करो, मुझे कुछ नहीं करना. लेकिन शुरू में भी मैंने कहा था भाषा भी ठीक रखे, अगर डायरेक्ट आरोप अपन कुछ रकम को लेके भी करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास प्रूफ भी हमें देना पड़ते हैं. हम प्लीज, अब इतने भी उत्तेजित मत होना आनंद कुमार. और इसलिए मुझे भी कई सारी चीज़ें, जैसे मैंने जयदेव गल्ला जी के भाषण के समय भी कहा, कई बार होता है कि आप सबके हल्ले गुल्ले में बात छूट जाती है, तो इसमें भी मैं बाद में ज़रूर देखूंगी, जहां गलत बात अगर है तो एक्सपेंस करने का अधिकार स्पीकर को रहता है, ठीक है. और अगर ऐसी कोई गलत बात अगर यहां गई है जो बिना प्रूफ के, अगर कोई ऐसा आरोप होता है जो गलत है, तो उसको भी ठीक नहीं है, गलत नहीं मैं बोलूँगी, गलत है नहीं है वो तो बाकी बात की बात, मगर ठीक नहीं है तो उसको भी एक्सपंज करने का. और इसलिए आप सबको मेरा निवेदन है, थोड़ी अपनी भाषा भी हम ठीक रखें, थोड़ा सा डेकोरम भी मेंटेन करें, एक दूसरे को सहन भी करें, और एक दूसरे के लिए यील्ड भी करें, तो उसमें किसी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए. सुनिए, तो आगे की भी यहाँ जो भी अभी बोला गया, अगर कुछ इसमें जैसे अभी बात आई है, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर आरोप करते समय कुछ आंकड़े भी दिए गए, ऐसे आंकड़े का अगर कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है तो वो आंकड़े नहीं जाना चाहिए, हमें कुछ मालूम नहीं है. यहाँ नाम भी लिया गया फ्रांस के राष्ट्रपति का, अब वो भी उचित नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ तो नहीं है बोलने के लिए कि मैंने क्या बोला, ये भी नहीं होना चाहिए. कंट्री की बात अलग, नहीं,
वो भी नहीं, उसके आपस में क्या बात होती है वो भी ऐसे नहीं जाती है। कई बातों का हम डेकोरम मेंटेन करें तो कृपा करके अच्छा रहेगा, यही मेरा निवेदन है। मैं बाद में भाषण देखूंगी और बताऊंगी सब एक्सपेंज। यस प्लीज, थैंक यू स्पीकर मैडम। आप भी और